तो अब हो चुका है रॉयल रंबल 2021 के 30 मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर चेंज। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू इनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट रोहन एंड एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं रेसलिंग हिंदी न्यूज़ के अंदर। एंड गाइज, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हर बार की तरह मैं आप सभी के लिए कुछ काफ़ी कमाल के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आ गया हूं, जिनको आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। हम लोग बात करेंगे कुछ और एंट्रेंसेस के बारे में जो कि सुपरस्टार्स ने अनाउंस कर दिए 30 मेंस एंड 30 वुमेंस रॉयल रंबल मैचेस के लिए, क्यों रॉयल लेजेंड्स नाइट के एपिसोड के ऊपर आप सभी को कार्लेटो दिखाई नहीं दिए, इसको लेकर रिसेंटली एक अपडेट आ चुकी है। डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में भी करेंगे बात, क्योंकि उनका क्या WWE के अंदर रिसेंटली फ्यूचर होने वाला बात हो चुकी है रिवील। इसके अलावा एक बैक स्टेज अपडेट के बारे में करूंगा बात, जो कि गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच के बारे में कि क्यों WWE ने ये वाला मैच बुक किया रिसेंटली, डेव मेल्टजर ने इस बात को किया कंफर्म। इसके अलावा फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में करेंगे बात, क्योंकि रिसेंटली विंस मैकमैन ने उसका विनर कर दिया है चेंज। तो काफी सारी चीजें आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी, कौन सा पुराना विनर था उसके बारे में भी करूंगा बात। डेफिनेटली आपको वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के साथ, जो कि सभी मेरे से पूछ रहे हैं रॉयल लेजेंड्स नाइट के एपिसोड के बाद कि भाई शो के ऊपर हमें कार्लिटो आते हुए क्यों नहीं नजर आए, क्योंकि उनकी जो रिटर्न है वो एडवर्टाइज हो रही थी WWE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, हर जगह उनकी रिटर्न टीज की थी एंड टीज के केवल की ऑफिशियली अनाउंस की थी मैं कहूँगा। लेकिन आखिरी टाइम पर क्या होता है, WWE उनको शो के ऊपर नहीं लाती है। तो गाइस आपको बता दूँ, रिसेंटली इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से, और यहाँ पर जो फाइटफुल सेलेक्ट है वो ये बात रिवील करते हैं कि जो WWE उन्होंने आखिरी मोमेंट के ऊपर कार्लिटो को रॉके एपिसोड से हटा दिया था। अब उसका रीजन रिवील नहीं हुआ क्यों WWE ने किया, लेकिन जी हाँ, आखिरी में WWE ने एकदम लास्ट मोमेंट पे कार्लिटो को शो से हटा दिया। अभी भी बात कंफर्म नहीं है क्या वो रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर आएंगे या फिर नहीं, क्या रीजन जो है एग्जैक्ट सामने वो नहीं आया क्यों कार्लिटो शो पर नहीं थे, बस विंस मैकमैन का मन किया और यहाँ पर उन्होंने शो से कार्लिटो को हटा दिया। वैसे कार्लिटो शो के ऊपर नहीं है, तो इससे चलो ये बात तो पता लगी कि जो फैंस है वो ज्यादातर रॉयल लेजेंड्स नाइट के एपिसोड के लिए इसे एक्साइटेड थे, क्योंकि यहाँ पर कार्लिटो आप सभी को काफी लंबे टाइम बाद रिटर्न करते हुए नजर आते। लेकिन विंस मैकमैन ने यहां पर आखिरी टाइम पे विदाउट एनी रीजन कार्लिटो को शो से कर लिया पुल आउट। लेकिन अब मैं बात कर लूं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में जुड़ी और क्या होने वाला है आने वाले टाइम में डोमिनिक मिस्टीरियो का रिंग फ्यूचर। रिसेंटली इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है सामने। तो गाइस आपको बता दूं, डोमिनिक मिस्टीरियो के जो ट्रेनर हैं, अभी फिलहाल मैं रिंग मिस्टीरियो की बात नहीं, मैं यहां पर कॉनन की बात कर रहा हूं, आई थिंक उनका नाम यही है, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं। तो यहां पर रिसेंटली वो ये बात रिवील करते हैं कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो एक बार फिर से वो प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दे रहे हैं, और प्रो रेसलिंग की जो ट्रेनिंग है वो फ्लोरिडा के अंदर आप सभी को करते हुए नजर आएंगे। प्रोबेबली हाँ, वो परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए साल 2021 की जो शुरुआत है वो ट्रेनिंग सेंटर से करने वाले हैं। और अभी फिलहाल जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो रेगुलरली परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कभी कभार जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, कभी कभार जो उनका खुद का एक पूरा ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर ट्रेनिंग करने जाते हैं। और ये बात यहां पर रिवील बिल्कुल भी की नहीं गई है कि क्या डोमिनिक मिस्टीरियो साल 2021 के अंदर रिंग के अंदर एक्शन अपना करेंगे या फिर नहीं, लेकिन यहां पर वो आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ और ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इसी के चलते अभी फिलहाल वो प्रो रेसलिंग की ले रहे हैं ट्रेनिंग, और कभी कभार वो परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जाके भी ट्रेनिंग करते हैं। भी फिलहाल जैसे मैंने कहा, ये बात तो रिवील हुई नहीं कि वो साल 2021 के अंदर मैचेस कंप्लीट करेंगे या फिर नहीं। क्या आप लोग देखना चाहोगे डोमिनिक मिस्टीरियो को कि वो साल 2021 के अंदर कंप्लीट करें, इसको लेकर आपके क्या हैं थॉट्स, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है 30 मेंस एंड वुमेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में, जो कि होने वाला है इंडिया के अंदर 1 फरवरी 2021 को। और इस पेपर व्यू के लिए हम लोग डबल एक्साइटेड जरूर से हो गए। गाइस आपको बता दूं, रिसेंटली जो रॉयल लेजेंड्स नाइट वाला एपिसोड था वहां पर और भी सुपरस्टार ने अपनी जो एंट्रेंस है वो अनाउंस कर दी थी 30 मेंस एंड वुमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। यहां पर द वाइपर व्हील रैंडी ऑर्टन ने बात अनाउंस कर दी थी कि वो आप सभी को 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर आते हुए नजर आएंगे। द फेनोमिनल वन एज स्टाइल्स ने भी अपनी एंट्रेंस अनाउंस कर दी है, रिडल एंड लाइस ने भी अपनी एंट्रेंस अनाउंस कर दी, यानी कि अभी फिलहाल जो कंफर्म सुपरस्टार्स हैं मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए वो हैं डैनियल ब्रायन, बॉबी लैशली, एज स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, रिडल एंड अलायस। वहीं वुमेंस की बात कर लें तो शो के ऊपर जो शार्लट फेयर है वो भी अपनी जो एंट्रेंस है अनाउंस करते हुए नजर आती है 30 वुमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। और अभी फिलहाल यहां पर जो नाम कंफर्म है वुमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए वो सिर्फ दो हैं, और नाया जैक्सन एंड शार्लट फेयर आप सभी को जरूर से यहां पर एंटर होते हुए नजर आएंगी वुमेंस के रॉयल रंबल मैच के अंदर। लेकिन अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आज की सेकंड लास्ट अपडेट है, और इस बारे जुड़ी है दी आइकॉनिक गोल्डबर्ग एंड WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के बारे में। इन दोनों का मैच होगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, जिसने WWE के अंदर पूरी खलबली जरूर से मचा के रख दी
दी है। एंड गाइस आपको बता दूं, रिसेंटली डेविड मेल्टर की तरफ से ये बात भी रिवील हो चुकी है कि किस तरीके से एक्चुअली में विंस मैकमैन ने अपोनेंट चूज किया था ड्रू मैकइंटायर का, और क्यों गोल्डबर्ग ही उनके दिमाग में नाम आया सामने। तो यहाँ पर डेविड मेल्टर से ये बात रिवील करते हैं कि विंस मैकमैन काफी लंबे टाइम से ये बात सोच रहे थे, यानी करीबन एक महीना होने को आया है विंस मैकमैन ये बात सोच रहे थे कि इसके खिलाफ ड्रू मैकइंटायर को जाला जाए रॉयल रंबल पे पर व्यू के अंदर। उनके दिमाग में कोई नाम आया नहीं, लेकिन जैसे ही साल 2021 शुरू होता है यहाँ पर विंस मैकमैन को ये बात याद आ जाती है। डेविड मेल्टर पूरी यही चीज रिवील करते हैं कि डेविड मेल्टर को बल्कि विंस मैकमैन को ये बात याद आ जाती है कि गोल्डबर्ग के हर साल के 3 मैचेस WWE के अंदर फिक्स हैं। इसी के चलते यहाँ पर जो विंस मैकमैन है वो ये सोचते हैं शायद गोल्डबर्ग से ज्यादा एक बड़ा सुपरस्टार, एक अच्छा सुपरस्टार और कोई नहीं होगा जो कि रिटर्न करेगा एंड वो चैलेंज करेगा ड्रू मैकइंटायर को। और यहाँ पर डेविड मेल्टर ये बात भी रिवील करते हैं विंस मैकमैन के हिसाब से ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग एक काफी बड़ा मैच होने वाला है, प्रोबेबली ये मैच आप सभी को मेन इवेंट करता हुआ भी नजर आ सकता है। डेविड मेल्टर यहाँ पर ये बात भी रिवील करते हैं कि ये मैच आप सभी को मेन इवेंट भी होता हुआ नजर आ सकता है। अब काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो ड्रू मैकइंटायर है उन्होंने कब लेजेंड्स की डिसरिस्पेक्ट की, तो अब इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं कब की थी उन्होंने, लेकिन हाँ यहाँ पर एक दिमाग में मेरे कह सकता हूँ कहावत टाइप आ रही है, पोएम टाइप आ रही है, राइमिंग आ रही है मेरे दिमाग में, और वो ये आ रही है कि लेजेंड्स की डिसरिस्पेक्ट करना तो सिर्फ एक बहाना है, विंस मैकमैन को सिर्फ गोल्डबर्ग को बेल्ट जिताना है। तो बजाओ ताली यार, मतलब मजा नहीं आया तो भी बजा देना कॉमेंट के अंदर, तालियां बजा देना मजा आएगा मुझे। लेकिन गाइज जैसा मैंने कहा कि ये भी फिलहाल न्यूज आ रही सामने कि ये मैच मेन इवेंट होने वाला है और विंस मैकमैन के पास कोई आइडिया था नहीं कि इसके खिलाफ वो ड्रू मैकइंटायर को उतार रहे हैं, इसलिए गोल्डबर्ग उतार रहे हैं एंड वो फेस कर रहे हैं ड्रू मैकइंटायर का। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि इस बार 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली जो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर था अब वो हो चुका है चेंज, और कौन सा पुराना विनर था ये बात भी रिवील हुई है। तो गाइस आपको बता दूं ये जो अपडेट है एसके रेसलिंग की तरफ से सामने आती है, और यहां पर जो वेबसाइट है ये बात रिपोर्ट करती है कि जो ओरिजिनल प्लान्स थे 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर थे वो ये थे कि आप सभी को द लिमिटलेस कीथली इस मैच को जीते हुए नजर आने वाले, आप सभी को कीथली उस मैच को जीतेंगे फिर वो ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज करेंगे WWE चैंपियनशिप के लिए। लेकिन आज से कुछ हफ्तों पहले जो विंस मैकमैन है जैसे उनके पास ये वाला आइडिया जाता है क्या कीथली एक सुपरस्टार हैं जो कि 30 मेंस रॉयल रंबल मैच जीतने चाहिए, तो यहां पर जो विंस मैकमैन है इस वाले पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर चुके हैं। और अब जो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर है वो शायद आपको कीथली ना दिखाई दे क्योंकि ये जो आइडिया है ये विंस मैकमैन की तरफ से रिजेक्ट हो चुका है। जैसे हम पहले भी जानते थे कि जो WWE उन्होंने कीथली को ओटिस कॉइन और भी काफी सारे सुपरस्टार्स को और ट्रेनिंग करने के लिए परफॉर्मेंस सेंटर भेजा है, और यहां पर विंस मैकमैन के हिसाब से कीथली के अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन उन्हें थोड़ा और फिट होने की जरूरत है, तो शायद एक रीजन है जिसके कारण अचानक से जो कीथली का रॉयल रंबल विनिंग का आइडिया था वो यहां पर विंस मैकमैन की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। और अभी फिलहाल जो सुपरस्टार फेवरेबल हैं जो कि 30 मेंस रॉयल रंबल मैच को जीत सकते हैं उनमें जो नाम सामने आया वो आया द यस मोमेंट डैनियल ब्रायन के, इसके अलावा को बता दूं बेटिंग ऑड्स के हिसाब से भी आप सभी को कीथली जीतते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है अगर ये सही निकलती है तो यस यहां पर जो उनका आइडिया है विनिंग रॉयल रंबल का वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा मेरे हिसाब से बिग एक सुपरस्टार हो सकते हैं, रेटेड आर सुपरस्टार एज हो सकते हैं, ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं वो हो सकते हैं, सेथ रॉलिंस का जरूर से यहां पर मैं नाम लूंगा जो कि आप सभी को रॉयल रंबल का मैच जीते हुए नजर आ सकते हैं, एजे स्टार्स जॉन्स है ना काफी सारे नाम है जो कि आप सभी को जीते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यस यहां पर कीथली का जो आइडिया है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो यहां से आप चांसेस ना के बराबर ही मानो कि आप सभी को कीथली अब इस मैच को जीते हुए नजर आने वाले हैं। अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया आपको मोस्ट चांसेस जो सुपरस्टार है जो कि इस मैच को जीतेगा वो डैनियल ब्रायन का नाम आ रहा है सामने। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, होप करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा आप लोग चैनल पर नए हो तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।